हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप के बारे में, यानी नाक के अंदरूनी हिस्से में बढ़े हुए मांस के बारे में। ज़्यादातर यह देखा गया है कि यह मेंस में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू महिलाओं के, और शुरुआत इसकी मोस्टली 8 से 10 साल की एज में ही हो जाती है, और 17-18 साल तक आते आते यह कंप्लीट ग्रो कर जाता है। यह नाक के अंदर होने वाली सॉफ्ट और नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जो एक तरह का मस्सा होता है, इसी को नेजल पॉलिप कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो अभी तक इसके एग्जैक्ट कॉजेज अननोन हैं, लेकिन यह देखा गया है कि जिनमें बार बार किसी भी तरह की नेजल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस होती है, या जो लोग एलर्जी से सफ़र करते हैं, तो उनमें नेजल पॉलिप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो जो लोग नेजल पॉलिप से सफ़र करते हैं, उनमें हमेशा शिकायत रहती है कि उनकी नाक हमेशा बंद रहती है, छींकें आती रहती हैं, और नाक से हमेशा पानी बहता रहता है, और पेशेंट को यह कंप्लेंट रहती है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्मेलिंग पावर कम हो जाती है, और खर्राटे मारने की दिक्कत हो सकती है। पेशेंट को कॉन्स्टेंटली फ्रॉन्टल हेडेक की दिक्कत बनी रहती है, यानी कि सिर के अगले हिस्से में दर्द का रहना और भारीपन बना रहता है। अब बात करते हैं नेजल पॉलिप के इन्वेस्टिगेशंस की। तो PNS एक्सरे और नोज़ की एंडोस्कोपी से हम नेजल पॉलिप का पता कर सकते हैं, इसकी लोकेशन और साइज़ का पता लगाया जा सकता है। अब बात आती है नेजल पॉलिप के ट्रीटमेंट की। अगर बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, तो उसमें नेजल पॉलिप का सर्जिकल रिमूवल यानी ऑपरेट करके इसको हटाना ही इसका एकमात्र इलाज है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस जिनके रेगुलर और बताई गई विधि के इस्तेमाल से आप बिना किसी सर्जरी के नेजल पॉलिप से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वह है लेमना माइनर। इसकी आपको 200 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह और शाम को लेनी होती हैं, और इसके साथ ही आपको रात को सोने से पहले थूजा मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4 बूंदें लेनी होती हैं। इन दोनों दवाइयों के साथ साथ आपको रेकवेक कंपनी की R84 ड्रॉप्स भी यूज़ करनी है। इसकी आपको 8 से 10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेनी होती हैं, और इन सभी दवाइयों के बीच कम से कम 10 मिनट का गैप जरूर रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।